देख रहे हैं न्यूज लीडर्स सच है तो खबर है नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सेंधवा सेंधवा से जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है जी आपको बता दे चार देसी पिस्टल और सोलह देसी कट्टे सहित पचास देसी पिस्टल के जिंदा राउंड जब्त किए हैं पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है लगभग बीस हथियार और पचास राउंड के साथ चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बताया जा रहा है कि सेंधवा शहर थाना प्रभारी सौरभ बाथम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हथियार के तस्करी की जा रही है खरीद फरोख्त की जा रही है छोटे बिजासन मंदिर के समीप कुछ लोग हथियार खरीद बेच रहे हैं इसी के चलते पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए चार लोगों को पकड़ा है जिनके पास से बीस हथियार और 50 राउंड के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है इस मामले में दो आरोपी सेंधवा शहर निवासी है दो आरोपी महाराष्ट्र के निवासी है फिलहाल मामले की जांच चल रही है अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर थाना शहर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं ये तस्वीर है शहर थाना प्रभारी सौरभ बाथम बता रहे हैं कि लगातार इस पर कार्रवाई जारी रहेगी आरोपियों द्वारा सेंधवा शहर में पूर्व में भी हथियार तस्करी कर चुके हैं जिन्हें है चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है बताया जा रहा है कि इन्होंने पूर्व में भी हथियार खरीदे बेचे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तथा अट्ठे एक की भी आर्स में के अलावा एक, एक 188 की भी कार्रवाई की गई है आइए सुनते हैं सौरभ बाथम इस बारे में क्या कह रहे हैं ये आज पुलिस द्वारा जो है सैंदवा शहर पुलिस द्वारा जो मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि सैनवा शहर में जो है बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद फरोख्त होने वाली है जिसमें हमारी टीम ने मौके पर जब दबिश दी तो चार व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया जिसमें दो व्यक्ति सेंंदवा शहर के मिले जिनमें सिंधवा शहर का आसिपुर पज्जू और गुफरान जो कि सेंधवा शहर के निवासी थे और उनके साथ में दो व्यक्ति और थे जो कि एक अलवास था जो कि जिला जलगांव का रहने वाला है और एक मोहम्मद नुमान जो कि चालीस गांव धुलिया का रहने वाला था आरोपियों पुराने इस्थी? आरोपियों की पुरानी हिस्ट्री में जो जल आपका जलगांव निवासी जो अलबाज है उसके ऊपर ऑलरेडी जो है जलगांव में पांच अपराध पंजीवत हैं जिसमें उसमें लूट के और आ, आपके तीन सौ सात और चोरी नकबजनी के अपराध पंजीवत हैं और जो आरोपी है आसेपुर बज्जू है यहाँ पर जो सैनवा का निवासी है उसके विरुद्ध ऑलरेडी तीन अपराध हैं जो कि यहाँ पूर्व में दंगे हुए थे उसका मुख्य आरोपी वह रहा है कारतूस कितने बरामद पूरी कार्रवाई में जो है पाँच चार जो है पिस्टल और सोलह देसी कट्टे यानी टोटल बीस हथियार और पचास कारतूस जो है पॉइंट थर्टी टू के जब्त हुए हैं और इनसे बारह हज़ार रुपये नकद और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई क्योंकि विधानसभा में चल रहे तो कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि इलेक्शन के में इस्तेमाल किए जाने का ऐसा कुछ हो रहा है नहीं ये लोग जो महाराष्ट्र के जो लोग आए थे तो सैनबाद शहर के जो आरोपी हैं उन्होंने ये एक सिगलीगढ़ से लगभग एक माह पहले पूरा जखीरा इन्होंने खरीदा था और ये ख़रीद के जो महाराष्ट्र के जो आरोपी उनको दिए जाना थे और ये महाराष्ट्र में जो है लेके कहीं भी सप्लाई कर करने वाले थे हथियार कहाँ से, तो हाँ, से लेकर आए थे सर एक सिगलीगर है इसे एक माह पूर्व इन्होंने एक सिगलीगर से लिए थे सुरविन नाम का सिगलीगर है जो कि चाचरिया थाना क्षेत्र चौकी क्षेत्र में रहता है